हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर के ऐतिहासिक रथ मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हो गया। भगवान रघुनाथ के रथ को हजारों लोगों ने खींचा और उसे ढालपुर मैदान तक पहुंचाया। इस दौरान सैकड़ों देवी देवता भी शामिल रहे। अब 7 दिनों तक यहां पर उत्सव की धूम रहेगी। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी रथ यात्रा के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी ढालपुर में देवी देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण किया। बताएं कि भगवान रघुनाथ 3 बजे के करीब रघुनाथपुर से ढालपुर के रथ मैदान में पहुंचे और अपने रथ में सवार हुए। वहीं इस दौरान भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह और राज परिवार के सभी लोग भी शामिल रहे। ढोल नगाड़ों की थाप पर भगवान रघुनाथ के साथ साथ देवी देवता भी इस दौरान मौजूद थे। भगवान रघुनाथ के पुजारी ने देव परंपरा का निर्वाहन किया। इस दौरान भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में माता हिडिम्बा, देवता बिजली महादेव, देवता आदि ब्रह्म, देवता कार्तिक स्वामी, देवता नाग धूमल, देवता वीरनाथ, देवता वीर केला, माता गायत्री, माता त्रिपुर सुंदरी, माता काली सहित दर्जनों देवी देवता मौजूद थे। 7 दिन तक रघुनाथ जी की आराधना ढालपुर में होगी और सभी देवी देवता अपनी बारी से आएंगे और रघुनाथ जी के दर्शन करेंगे, मिलेंगे। आप देखेंगे कितना खूबसूरत नजारा है कि बिजली महादेव जो यहाँ के अधिष्ठात्रा देवता है वो कल सायं को ही आ चुके, क्योंकि राम के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम और रामेश्वर, ठीक है। और रघुनाथ जी की पालकी के ठीक पीछे जो है हमारे बिजली महादेव की पालकी होगी और इसी प्रकार से ये आप देखेंगे ये अद्भुत मिलन है और अद्भुत दशहरा है जो यहाँ पर आज भी मनाया जाता है और देवी देवताओं का। इस दौरान हजारों लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ भगवान रघुनाथ के रथ को खींचा। रथ मैदान से भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर तक रथ को ले जाया गया, जहां हजारों लोग भगवान रघुनाथ के रथ के सामने नतमस्तक नजर आए। इस दौरान हजारों की भीड़ भगवान रघुनाथ के दर्शनों को उमड़ी रही और देवी देवताओं के रथ में भी रथ मैदान से लेकर भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर तक चलते रहे। सूर्य समाचार के लिए कुल्लू से अनिल कांत की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर के ऐतिहासिक रथ मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हो गया। भगवान रघुनाथ के रथ को हजारों लोगों ने खींचा और उसे ढालपुर मैदान तक पहुंचाया। इस दौरान सैकड़ों देवी देवता भी शामिल रहे। अब 7 दिनों तक यहां पर उत्सव की धूम रहेगी। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी रथ यात्रा के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी ढालपुर में देवी देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण किया। बताएं कि भगवान रघुनाथ 3 बजे के करीब रघुनाथपुर से ढालपुर के रथ मैदान में पहुंचे और अपने रथ में सवार हुए। वहीं इस दौरान भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह और राज परिवार के सभी लोग भी शामिल रहे। ढोल नगाड़ों की थाप पर भगवान रघुनाथ के साथ साथ देवी देवता भी इस दौरान मौजूद थे। भगवान रघुनाथ के पुजारी ने देव परंपरा का निर्वाहन किया। इस दौरान भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में माता हिडिम्बा, देवता बिजली महादेव, देवता आदि ब्रह्म, देवता कार्तिक स्वामी, देवता नाग धूमल, देवता वीरनाथ, देवता वीर केला, माता गायत्री, माता त्रिपुर सुंदरी, माता काली सहित दर्जनों देवी देवता मौजूद थे। 7 दिन तक रघुनाथ जी की आराधना ढालपुर में होगी और सभी देवी देवता अपनी बारी से आएंगे और रघुनाथ जी के दर्शन करेंगे, मिलेंगे। आप देखेंगे कितना खूबसूरत नजारा है कि बिजली महादेव जो यहाँ के अधिष्ठात्रा देवता है वो कल सायं को ही आ चुके, क्योंकि राम के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम और रामेश्वर, ठीक है। और रघुनाथ जी की पालकी के ठीक पीछे जो है हमारे बिजली महादेव की पालकी होगी और इसी प्रकार से ये आप देखेंगे ये अद्भुत मिलन है और अद्भुत दशहरा है जो यहाँ पर आज भी मनाया जाता है और देवी देवताओं का। इस दौरान हजारों लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ भगवान रघुनाथ के रथ को खींचा। रथ मैदान से भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर तक रथ को ले जाया गया, जहां हजारों लोग भगवान रघुनाथ के रथ के सामने नतमस्तक नजर आए। इस दौरान हजारों की भीड़ भगवान रघुनाथ के दर्शनों को उमड़ी रही और देवी देवताओं के रथ में भी रथ मैदान से लेकर भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर तक चलते रहे। सूर्य समाचार के लिए कुल्लू से अनिल कांत की रिपोर्ट।